गल सुन, और उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता कि वो दुबई जाए और वहां जाकर काम करे। जिनको वेलियां खाने की आदत पड़ जाती है ना, वो किसी काम जोगे नहीं रहते। तू तो बस उसकी रोटियां गिनता रहा कर। वो बेचारा तो ये कह रहा था कि मैं कोई नई पट्टी पढ़ा दी होगी उसने तुम्हें, और वो एक चक्री आदमी है और उसके चक्करों में ना आया कर। ना क्या चक्कर देना उसने मुझे, हाँ हाँ उसके पीछे पड़ा रहता है। और मेरी गल सुन, ना कोई टका तेरी जेब में रहने देता है और ना ही मेरी। हर रोज वो ये ख्वाब देखता है कि आज मैं जुआ जीत जाऊंगा और अमीर हो जाऊंगा, और तुमने उसे कल फिर 500 रुपया दे दिया। अच्छा ये दुखी दास्तान बंद कर। वो तो ये कह रहा था कि मैं वो क्या है सदीक के लड़के के साथ शहर जाना है किसी काम शम का पता करने। काम? वाह जी वाह, वो बड़ा डीसी चंग लगा हुआ है जो किसी का काम करने जाए। ए, वो किसी काम का जोगा होता तो मेरा हाथ ना बटाता, बटाया काम करने वाला। अच्छा बस कर दे, अब मैं तो ये सोच के पागल हो जाऊंगी कि उसका बनेगा क्या। अनेक वक्ते जब शाम को वो कार आए तो उसे आराम से बैठकर समझा कि बेटा वो जमाना और था जब पैसे में बरकत होती थी, घर का एक फर्द कमाता था और सारे घर वाले ठाट से बैठकर खाते थे। अब तो घर के हर बंदे को काम करना पड़ता है तो तब जाके कहीं गुजारा होता है। ठीक है आज आता है ना तो बात करती हूँ उसके साथ। पुत्र मलक, मैं अपने सारे पक्षी उड़ा देते हैं। आजाद पंछी जिसका रिजर्व होएगा वो खा लेगा। लेकिन हाजी साहब, आपने तो बड़े शौक से पाले हुए थे। हाँ गल तो ठीक है तेरी, पर जो चीज जाकी होती है वही अच्छी लगती है। और वेह ना ये पक्षी पर खोलना पुल जान ते फिर आसमान तो बेरौनक हो जाएगा। हाजी साहब आपने तो आजाद कर दी है लेकिन कोई और पकड़ लेगा। कहते तो ठीक है तू, पकड़ते पकड़ते मची गई हर पास। सारे ही कैदी ने कोई किसी चीज का, कोई किसी चीज का, किसी चीज का, सारे ही अपने पिंजरे लिए फिर रहे ने। बाय बाय। मलक पुत्र खैर थे, इतना उदास क्यों है तू? मैं थक गया हूँ हाजी साहब, बड़ा थक गया हूँ मैं। इसका मतलब है तू भी थक गया। ना पुत्र ना, ना इस तरह रो के अपनी हार का ऐलान न कर। पुत्र मलक, जो आंखें बाज का इंतजार कर सकती हैं उनमें न आंसू आते हैं न रेत आती है। ये कैसा सच है हाजी साहब? जो ना जुबान से निकल रहा है ना कानों पे असर कर रहा है। पुत्र मलक, बूर ते पूरे दरख्त आता है पर फल सिर्फ
किसी किसी शाह पे लगता है। बहुत कुछ होता है दुनिया में, मगर फिर भी कुछ नहीं होता। ओए, रोने वाला कम तो दूसरों का होता है ना। मैंने रुबीना के लिए क्या कुछ नहीं किया, उसको अपनाने के लिए, उसको मनाने के लिए मैंने सबको नाराज कर दिया, लेकिन उसने चाहते हुए मुझसे कैसा बदला लिया है आजी साहब, कैसा बदला लिया है। वो ठीक ही ना, दे फेर क्यों है? वो खैर है मलक पुत्र, खैर है। 20 साल भी तो खड़े हैं ना बीच में, इतने टाइम में तो नस्लें बदल जाती हैं, लोगों की शक्लें बदल जाती हैं। मैं सब जानता हूं आजी साहब, लेकिन मैं किसी की औलाद को अपना सब कुछ कैसे मान सकता हूं? ना मलक ना पुत्र, बंदा जब कल्ला होता है ना तो तनाई के डर से अपने दुश्मन को भी नहीं मारता है। ऐसे रिश्ते ही फिर कोई और है। जा जाके अपने अपने कारोबार पर तवज्जो दे, उन्हें ना बोलो निकड़ी चिड़ी है, उन्हें तेरा बिजनेस संभाला हुआ है। बस दफा हाथ देखना पड़ता है आजी साहब, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा गिराने के लिए उठाते हैं। मलक पुत्र, गिरे हुए बंदे को उठाने के लिए जो हाथ भी मिले उसको पकड़ लेना चाहिए, ये नहीं पूछना चाहिए कि किसका हाथ है। बस दफा हाथ देखना पड़ता है आजी साहब, क्योंकि कभी कभी लोग दोबारा गिराने के लिए उठाते हैं। आजी साहब, आप मुझसे नाराज तो नहीं है? आपके बंदों ने बिलाल को बड़े बड़े काम दिए हैं। ठीक ही होया ना, बाज दफा जो बंदा शोर बहुत मचा रहा हो उसको कुछ काम दे देना चाहिए, वो आप ही चुप करके बस कर जाता है। चंगा जी साहब, दुआ करना। चल ठीक है, ठीक है। तेरे आस पास ही हर वेले रौला औला मचा ही रहता है। आ आ आ उठ गई फिर यार बेटा? मुकीम बाबा वो नाश्ता करके गए थे? नहीं, वो तो सुबह से ही कहीं निकल गए। क्या मतलब सुबह से? मुझे पता ही नहीं चला और वो सुबह ही निकल गए। पता नहीं क्या बात है, अबू कल रात से ही बहुत परेशान है। हाँ बेटा, परेशान तो है वो आजकल। अरे आप बैठिए ना। इतना बड़ा नुकसान तो शायद
पत्थरों से भी नहीं उठ सकता, वो भी पिस जाते हैं। आप दुआ कीजिए वो के बाबा। कभी कभी कुछ इम्तिहान ऐसे आते इंसान के ऊपर कि वो उससे गुजरते नहीं। बेटा, इम्तिहान तो आते ही हैं हमें गुजारने के लिए। जब बंदा कहीं फंस जाता है, कहीं रुक जाता है, तो हमें इम्तिहान ही निकालते हैं। सही कहते हैं आप, कभी कभार कुछ ना कुछ जरूर पीछे रह जाता है, बल्कि बहुत कुछ। ना उन्हें किसी की आवाज बुला सकती है और ना ही कोई आ सकता।